हेलो माय डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मुखर्जी कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, वाई मुखर्जी कमेटी इस्टेब्लिश्ड, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हमें मुखर्जी कमेटी को स्थापित करना पड़ा, और मुखर्जी कमेटी के द्वारा कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए। जिन व्यूअर्स ने बोरा कमेटी, चड्ढा कमेटी और मुदारी कमेटी का वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उसको क्लिक करके इजीली देख सकते हैं। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार एनालाइज जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, यानी कि गठन कब हुआ था, 1965 में। आपको डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग चेयरमैन की, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है आपको श्री मुखर्जी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर मुखर्जी कमेटी नाम इसका पड़ा, राइट। चलिए अब हम देखेंगे हाउ टू स्टेब्लिश, ठीक है, आखिर मुखर्जी कमेटी को क्यों स्थापित किया गया, राइट। चलिए, आफ्टर टू इयर्स ऑफ एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ चड्ढा कमेटी, इट वाज रियलाइज दैट बेसिक हेल्थ वर्कर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल, सच एज मलेरिया एडुकेशन प्रोग्राम एक्टिविटीज, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, होम विजिट्स, एक्टिविटीज रिलेटेड टू कलेक्टिंग हेल्थ डाटा वर नॉट बींग कंडक्टेड प्रॉपरली, ठीक है। चड्ढा कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने के 2 साल बाद यह महसूस किया गया, जो भी चड्ढा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है, तो रिपोर्ट करने के 2 साल बाद यह महसूस किया गया कि जो हमारे बेसिक हेल्थ वर्कर्स थे वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा पा रहे थे। क्या क्या उनका काम था बेसिक हेल्थ वर्कर का, जैसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम गतिविधियां देखना, परिवार नियोजन संबंधी गतिविधियों को देखना, होम विजिट करना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था चड्ढा कमेटी में कि होम विजिट करना है मंथली, हमें नहीं देखना है कि कितना जो है बुखार के केस आए हैं, ठीक है। स्वास्थ्य आंकड़ों को एकत्र करने संबंधी गतिविधियों का संपादन उचित तरीके से ये नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। यही कारण था कि हमें मुखर्जी कमेटी को स्थापित करना पड़ा, राइट। चलिए अब हम देखेंगे रिकमेंडेशंस कौन कौन सी सिफारिशें दी गई थी, ठीक है। तो पब्लिश हिज रिपोर्ट इन 1968 एंड गिव्स फॉलोइंग रिकमेंडेशन, आपको याद रखना है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, कब प्रकाशित की, 1968 में, ठीक है। और निम्नलिखित सिफारिशें दी कौन कौन सी, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है सेपरेट स्टाफ फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट फॉर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नाउ बेसिक हेल्थ वर्कर विल नॉट परफॉर्म एक्टिविटीज इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए एक अलग स्टाफ को नियुक्त करना है, यानी कि कौन स्टाफ होगा, वो परिवार नियोजन सहायक होगा, जो कि पहले हमारा कौन था, बेसिक हेल्थ वर्कर था, राइट। अब उसके स्थान पर कौन देखेगा उसको, परिवार नियोजन सहायक होगा, उसकी हम नियुक्ति करेंगे, जो कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को देखेगा, उसकी गतिविधि को चेक करेगा, राइट। अब बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिवार नियोजन कार्यक्रम में गतिविधियां नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी पार्टिसिपेट वो नहीं ले सकते हैं, कौन, हमारे बेसिक हेल्थ वर्कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डीलिंग मलेरिया एक्टिविटीज फ्रॉम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। चड्ढा कमेटी में क्या था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को मलेरिया के साथ में लिंक कर दिया गया था, उसको जोड़ दिया गया था, यानी कि दोनों आप एक्टिविटीज को वहां पे जो है चेक करेंगे, कौन, हमारे जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं। लेकिन रिकमेंडेशंस क्या गई यहाँ पे दी गई है मुखर्जी कमेटी में, कि जो मलेरिया था प्रोग्राम, मलेरिया एडुकेशन प्रोग्राम, उसको जो है हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से बिल्कुल उसको पृथक कर दिया, राइट। क्यों किया पृथक, जिससे कि ईजिली जो है हमारे जो फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट हैं उसको आसानी से उसका आपको देख सकें, राइट। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपका इस वीडियो से या इस चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको टॉपिक पूछना, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे उसका आंसर देने में खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।